हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सेट ए में और डेट थी 7 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था AISEE का, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो इफेक्टिव तरीके से कवर हो, एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे कवर हो, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 9999685833 पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ बैचेज में जुड़ सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। चलिए गाइस, अब देखते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 185 मीटर लॉन्ग एंड 220 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो 185 मीटर लॉन्ग है और 220 मीटर क्या है, वाइड है, यानी कि ब्रेथ है। इट हैज़ टू रोड्स इन इट्स सेंटर, उसके सेंटर में दो रोड है ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ यानी कि विड्थ यानी कि उन रोड्स की जो ब्रेथ है वो है 4 मीटर। वन पैरेलल टू इट्स लेंथ, एक उसके लेंथ के पैरेलल है। अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ, दूसरी जो रोड है उसके ब्रेथ के पैरेलल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड, रोड को लेवलिंग करने में कितना खर्चा आएगा अगर इफ 1.25 पर स्क्वायर मीटर, अगर खर्चा आता है एक 1.25 रुपीज़ लगते हैं पर स्क्वायर मीटर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है जिसकी हमें लेंथ दी गई है 185 मीटर। 185 मीटर हमें लेंथ दी गई है और उसकी हमें एक ब्रेथ दी गई है, हमें ब्रेथ दी गई है 220 मीटर, हमें ब्रेथ दी गई है 220 मीटर। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इसके सेंटर में दो रोड है, इस तरीके से हम रोड को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके सेंटर में दो रोड्स हैं ऐसे, एक एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ये दोनों रोड्स। कह रहा है कि जो पहली रोड है वो जो इस तरीके से जो मैंने हरे में ड्रॉ करी है, हरे लाइन से जो ड्रॉ करी है, जो ये रोड है ये लेंथ के पैरेलल है, और जो ब्लू कलर से जो हमने ड्रॉ करी है वो क्या है, ब्रेथ के पैरेलल रोड है, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है ग्रीन वाली। तो दो रोड है और कह रहा है कि जो रोड की जो ब्रेथ है, रोड की जो ब्रेथ है वो कितनी है, कितने मीटर चौड़ी है, 4 मीटर चौड़ी है। रोड की जो ब्रेथ है वो कितने मीटर चौड़ी है, 4 मीटर चौड़ी है। तो हमें बताना है कि रोड को लेवल करने में कितना खर्चा आएगा, मतलब हमें जो एरिया निकालना है, जिसे मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से हमें इसका एरिया निकालना है कि इस रोड को बनाने में कितना खर्चा आएगा, इस रोड को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ निकालने का बेसिक मेथड भी है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। एरिया ऑफ पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है इज इक्वल टू, एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास ब्रेथ ऑफ रोड, या फिर मैं कहूँ विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड होती है वो एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 185 मीटर, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 220 मीटर, माइनस एक्स, एक्स यानी कि जो रोड है इसके अंदर उसकी जो ब्रेथ है यानी कि 4 मीटर, मल्टीप्लाई बाय कितना, एक्स की वैल्यू 4। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 181 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 8 दो तीन और एक 401 आ जाएगा, 401 इंटू 4। तो 401 इंटू 4 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1604 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए मीटर स्क्वेयर। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारे लास्ट वन में कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड, रोड को लेवल करने में कितना कॉस्ट आएगा एट द रेट ऑफ एट 1.25 पर स्क्वेयर मीटर, अगर 1.25 रुपीज़ लगते हैं पर स्क्वायर मीटर पे। तो हमें पता है कि पर स्क्वायर मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपये लग रहे हैं, कितने रुपीज़ लगते हैं, 1.25, 1.25 रुपीज़ लगते हैं। तो हमें कितने रुपीज़ लगाना, कितने मीटर का निकालना है, 1604 मीटर्स का निकालना है, 1604 मीटर्स का, क्योंकि जो एरिया ऑफ पाथ आया यानी कि एरिया ऑफ जो रोड आई है वो कितनी आई है, 1604 आया। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1604। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 125 पॉइंट का 100 हमने नीचे लगाया इंटू में 1604। देन यहाँ से हम कटिंग करते हैं,
कटिंग करेंगे तो 25 पे कट हो जाएगा, 25 5 ज़ा 125 एंड 25 4 ज़ा 100, देन 4 पे कट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 0 एंड 4 1 ज़ा 4, देन इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 401 को 5 से तो आपके पास आएगा 5020, यानी कि 2005 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस रोड को जो लेवल करने में जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 2005 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। तो गाइज़ अगर आपको इसका शॉर्टकट पता था तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और जल्दी से कर सकते थे, लेकिन अगर आपको इसका शॉर्टकट नहीं पता था, बेसिक मेथड से अगर आप करोगे तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आपको 2 3 एरिया निकालने पड़ेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का शॉर्टकट। इसी तरह के शॉर्टकट जानने के लिए आप हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं, आपको शॉर्टकट्स बताए जाएंगे किस तरह से क्वेश्चन को करना है, फटाफट करना है, इफेक्टिव तरीके से करना है। तो गाइज़ ये था क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर का, जो कि सेट ए में आया था 7/2/2021 को। और हमारे साथ बैच में जुड़िए इसी तरह शॉर्टकट्स के लिए, इसी तरह की वीडियो के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।